शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जोरदार बारिश ने खोली वाड़ी नगर परिषद के पोल, नालियों की सफाई न होने से सड़कों पर जल जमाव। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के नालियों की सफाई नहीं होने से सोमवार को हुए जोरदार बारिश ने नगर परिषद की पोल खोली है। अमरावती राजमार्ग दत्तवाड़ी में भारी मात्रा में जल जमाव होने से कुछ समय के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। सोमवार को दोपहर 3 बजे के दौरान जोरदार बारिश ने दस्तक दी। शहर की नालियों की सफाई नहीं होने से पानी निकासी नहीं हो रही है, जिसके कारण सड़कों पर पानी का जल जमाव होता है। दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए। टू व्हीलर की गाड़ियों के इंजन में पानी घुसने से गाड़ियों का नुकसान हुआ है। नगर परिषद कोरोना के काम में जुटे होने से नालियों की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण नागरिकों को जल जमाव का सामना करना पड़ा है। दत्तवाड़ी स्थित पटेल वाइन शॉप के सामने भारी मात्रा में जल जमाव हो गया था। करीब 1 घंटा चले बारिश ने वाड़ी में जल जमाव होने से नगर परिषद पर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरे दिन का बारिश है, आज इतना पानी जमा हो गया है, इस बार नहीं क्या नाला साफ नहीं हुआ है। और गेट के सामने से लेके तो MIDC टी पॉइंट तक पूरा जल भरा हुआ है, आधा घुटने तक। ये कोई साफ सफाई नहीं है और नगर परिषद कोई काम नहीं कर रही है। नगर परिषद ऑलरेडी बर्खास्त हो चुकी है और कोई नेता लोग यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। दुकानों तक पानी, कल दुकान हमारे दुकान तक इधर तक पानी आ गया था, तो उसके लिए आप लोग कुछ कीजिए। आप लोग ये जो पानी देख रहे हैं, ये पानी नाले में जाना चाहिए कि रोड पे जाना चाहिए? ये रोड से बह रहा है, नाले में कोई पानी ही नहीं जा रहा है। हमारा मांग है कि पूरा नाला पूरा साफ किया जाए और ये रोड पे आने से हमारे दुकान तक पानी आएगा। हाँ, इस बार कोई काम नहीं हुआ है दत्तावाड़ी में और कोई नेता लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। सब आपस में झगड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम बड़ी बड़ी बातें करते, काम कोई नहीं करता है। काम करो, हमको CO साहब से हमारा एक गुजारिश है कि आप ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके ये सब काम करवा लीजिए। परिषद बर्खास्त हो गया है, लेकिन अभी नगर सेवक को हम लोग कुछ बोल ही नहीं सक रहे। रोड का ये हाल है, पानी पूरा रोड के ऊपर से बह रहा है, तो ये इसके तरफ कौन प्रशासन ध्यान देगा, कौन ध्यान देगा? तकलीफ, चलना दुर्भर हो गया, लोग पैदल चल नहीं पा रहे, पूरे लोगों की गाड़ी सब पूरे पानी में जलमग्न हो गए। इनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।